अभी हम लोग आ चुके हैं यूपी बॉर्डर, और यूपी बिहार बॉर्डर है ये। ये सामने देख रहे हैं सभी ट्रक जितना लगा हुआ है, ये सब चेकिंग के लिए लगा हुआ है। तो पूरा पिलर वगैरह सब टूट गया है। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाइक सूट 28 पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा बाइक देख रहे थे, अब आप कार भी देखेंगे, और इस कार के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कार के दीवाने हैं, इस कार के दीवाने हैं। सो आज हम इस कार के बारे में कुछ बातें बताएंगे। मुझे लगता है आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है ये, और इसलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं कार का। आज छोटा सा एक लॉन्ग टूर होने वाला है इस गाड़ी से, अपने टाटा पंच जो है, इस गाड़ी से आज छोटा सा एक टूर होने वाला है। सोचे कि चलते चलते, आज लॉन्ग टूर है तो थोड़ा सा एक वीडियो भी बना देते हैं इस कार के ऊपर। फिलहाल आ गए हैं भाई के रूम के पास, डायमंड, उसको भी लेके जाएंगे साथ में, और हम और वो दोनों साथ में जाएंगे टाटा पंच से, ठीक है। और इस गाड़ी में क्या क्या है, क्या क्या फीचर है, और कौन सा फीचर अच्छा नहीं है, कौन सा फीचर अच्छा है, वो हम सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। और जो लॉन्ग टूर कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, कहाँ जा रहे हैं इस वीडियो में मालूम चल जाएगा आपको। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए वीडियो में, और ब्लॉग में मजा आएगा, देखते हैं। ख्याल रखिए, मिलते हैं सीधा रास्ते में हाईवे पे। लुक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और हाँ भाई, इस गाड़ी में जो मेन प्रॉब्लम है वो अभी हमको भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ है ये एम्प्टी, हमेशा एम्प्टी रहता है, रिफ्यूल रिफ्यूल रिफ्यूल। यार कितना पेट्रोल इसमें डलवाएं, एवरेज ही नहीं है यार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें माइलेज। माइलेज क्या देता है आपका कार टाटा पंच, आपके पास अगर हो तो आप जरूर बताइएगा माइलेज क्या देता है। तो भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने घर होम टाउन गोपालगंज से, और आज जा रहे हैं करीब 125 किलोमीटर दूर एक छोटे से ट्रिप पे। ट्रिप नहीं है वो, कुछ काम की वजह से ही जा रहे हैं। सो आज हम चल रहे हैं अपने टाटा पंच से, और इस टाटा पंच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए आज हमेशा तो बाइक का वीडियो बनाते हैं, बट आज कार का बना रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हम जो बातें बोलेंगे वो सही है या गलत है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी टाइम हो रहा है करीब 125, दिन के 125, और हम लोग टाउन से निकले हैं। अभी हम लोग को जाना है गोरखपुर, ठीक है। सो हाईवे पे है अभी, अपने गोपालगंज का हाईवे है ये, और चलते हैं सीधा रास्ते में, देखते हैं कितना टोल पड़ता है और कहाँ कहाँ रुकते हैं, और रास्ते में चलते चलते हम आपको बताएंगे इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं यूपी बॉर्डर, और यूपी बिहार बॉर्डर है ये। ये सामने देख रहे हैं सभी ट्रक जितना लगा हुआ है, ये सब चेकिंग के लिए लगा हुआ है। दूर दूर से आता है ट्रक, सब चेक होता है उधर, और उस साइड से निकल जाता है, और जो कार है वो सब यहाँ से जाता है, और इधर से ही आ जाता है लोकल जो भी लोग हैं, ठीक है। ये बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर लिए, और अब चलते हैं, एंट्री करते हैं यूपी में। इधर पीछे बिहार हो गया, और ये सामने यूपी। यहाँ से लखनऊ 367, गोरखपुर 127, और कुशीनगर 65। सो चलते हैं आगे, शायद एक टोल पड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरा, दो टोल पड़ेगा, दो टोल पड़ सकता है, देखते हैं आगे। बॉर्डर पे आते ही जितने लोग जो वो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं उनका टैक्स कटता है, ठीक है। तो किसी अदर स्टेट में एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री करने से पहले आपका अगर टैक्स पेड नहीं है उस स्टेट का तो टैक्स पेड करवा लें, उसके बाद ही एंट्री करें, नहीं तो आगे जाके आपको चलान हो सकता है। अभी गाड़ी फर्स्ट क्लास धोधा के साफ करके निकाले हैं, और ये देखिए। खैर चलते हैं आगे। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। सो यहाँ कुशीनगर लिखा हुआ है, और वेलकम टू उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। सो ये सब जितना एरिया है, जितना भी एरिया है, गांव है, ये सब यूपी में आता है, और हम लोग बिहार छोड़ दिए हैं। बिहार से मतलब हम लोग का जो होम टाउन है ना गोपालगंज, 25 किलोमीटर आने के बाद ये यूपी
बॉर्डर आ जाता है और यूपी में हम लोग इंटर कर देते हैं, हम लोग का बिहार बॉर्डर छूट जाता है और काफ़ी जल्दी मतलब 10-15 मिनट में हम लोग यूपी में आ जाते हैं भाई। करीब अपने होम टाउन गोपालगंज से 35 किलोमीटर आते ही हमको पड़ता है फर्स्ट टोल, ठीक है, यूपी का फर्स्ट टोल गोपालगंज से, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट टोल, अपने पास फास्टैग है और फट से कटेगा और फट से निकलेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ कितना कटता है। यूपी का ये फर्स्ट टोल है, यूपी बिहार बॉर्डर से आते ही फर्स्ट टोल हम लोग का मिलता है। यहाँ पे कट गया है, काफ़ी जल्दी रीड कर लेता है, मैसेज जाएगा भाई साहब के पास और हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर भाईजान को रिसीव करने के लिए, तो टाइम हो गया है भाई, उनका भी मैसेज अभी आया था और हम लोग तो निकले हैं 125 में गोपालगंज से और 350 में उनका फ्लाइट है। देखिए नॉर्मल जाएंगे तो भी पहुँच जाएंगे क्योंकि रोड बहुत अच्छा है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे है, NH 28 ही जाता है यहाँ से सीधा डायरेक्ट गोरखपुर गोपालगंज से होके, ठीक, तो हम लोग टाइमली पहुँच जाएंगे, नॉर्मल चल रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कर दिए इधर, रुक जा। सो भाई आपके कार या बाइक में अगर पेट्रोल है डीजल है कम से कम यूपी में एंट्री करने लायक, ठीक है, अगर गोपालगंज होम टाउन है आपका, गोपालगंज में है या फिर बॉर्डर की तरफ है तो बिहार से नहीं लीजिए, यूपी में आके पेट्रोल या डीजल ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कितना रुपया था, 96 रुपया था, मतलब कि 12 रुपया सस्ता, और वहाँ पे है 108 रुपया, बिहार में 108 रुपया और यूपी में 96 रुपया। तो पेमेंट भी कर दिया, ऑनलाइन किए हैं और काफ़ी सस्ता पड़ा, 12 रुपये सस्ते पड़े यूपी में। आपके कार या बाइक में पेट्रोल या डीजल है तो आप लोग यूपी में आके पेट्रोल ले लीजिए और डीजल ले लीजिए, क्योंकि पर लीटर 12 रुपये प्रॉफिट होने वाला है, 12 रुपये प्रॉफिट होने वाला है आपको पर लीटर। पूरा पिलर वगैरह सब टूट गया है। भाई देख रहे हैं इसका हालत क्या हुआ है, पिलर वगैरह सब कुछ तोड़ के उसमें घुस चुका है वह डिवाइडर में। कभी भी गाड़ी यार सेफ चलाए कि और अपने कंट्रोल में। भाई साहब बात कर रहे थे इस गाड़ी के बारे में, तो ये गाड़ी जो है, ये जो पिलर आप देख रहे हैं ना, ये पिलर इतना चौड़ा है कि राइट साइड में कुछ दिखता है नहीं है, समझे, आप अगर ड्राइवर वगैरह सीट पे बैठते हैं तो राइट साइड में आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इतना हैवी है वो, इतना चौड़ा है कि राइट साइड में बहुत कम दिखता है। ऊपर से आप अगर ब्लैक शीशा करा लेते हैं, ब्लैक अपना ग्लास करा लेते हैं तो वो और नहीं दिखता है। और उसका जो मिरर है, मिरर का साइज़ देखिए कितना है, सबसे ऊपर है, ठीक है, और मिरर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, हैवी है, उसके वजह से भी कुछ दिखता नहीं है साइड में। राइट साइड में आप अगर टर्न करते हैं तो बहुत कम दिखता है, बहुत विजिबिलिटी कम रहती है, समझे। हालांकि लेफ्ट साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में बहुत प्रॉब्लम होता है वो गाड़ी चलाने में, और ये चीज़ हम फील किए हुए हैं। आप लोग अगर, आप लोग को भी ऐसा लगता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो पिलर वैसा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी में भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका, लेकिन अगर इस गाड़ी को अगर खड़ा कर दिए 2 महीने 1 महीने या फिर 2 हफ्ता 3 हफ्ता अगर घर पे खड़ा कर दिए तो इसमें रस्टिंग चालू हो जाता है। स्थली कुशीनगर में हम लोग हैं और बुद्ध की धरती है ये, काफ़ी अच्छा यहाँ पे घूमने वाला टूरिस्ट पैलेस भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे कुशीनगर में, भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ है यहाँ पे, और होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं कुशीनगर में। आप कभी आइएगा तो
टूरिस्ट पैलेस है, जरूर विजिट कीजिएगा इस साइड में। वेलकम टू कुशीनगर। तो हम बात कर रहे थे इस गाड़ी के बारे में भाई, बीच बीच में कुछ कुछ दिख जाता है तो रुकना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे इस गाड़ी के बारे में, रस्टिंग जो है इस गाड़ी का बहुत जल्दी चालू हो जाता है। इस गाड़ी को अगर खड़ा कर दिया कुछ दिन तो जल्दी रस्टिंग चालू हो जाता है इसके गेट में, इसके पैनल्स जो भी है, ज्वाइंट जो जो जगह है। हाँ, सेकेंड टोल, फर्स्ट टोल कट चुका है, ये सेकेंड टोल अपना लेफ्ट साइड से। यूपी जाने में भाई दो दो टोल पड़ता है, ठीक है। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, एक कुशीनगर में, दूसरा कुशीनगर और दूसरा भी कुशीनगर में, ठीक है। यहाँ भी हम लोग का टोल कटेगा, अभी कटेगा भाई। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर की धरती पे, पावन धरती पे, और गोरखपुर एंट्री करने वाले हैं। ये हाईवे अब हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ से ये हाईवे सीधा राइट साइड लेफ्ट साइड में चला जाता है, बाईपास लखनऊ दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, ये हाईवे चला जाता है, ठीक है। तो इस हाईवे को टट्टा बाय बाय, और ये जो है स्ट्रेट सीधा चलते हैं हम लोग गोरखपुर में। लखनऊ यहाँ से 285 किलोमीटर, 16 किलोमीटर टाउन है गोरखपुर टाउन, ठीक है। गोरखपुर सिटी जो है टाउन वो 16 किलोमीटर है यहाँ से, और यही सिंगल रोड जाएगा सिर्फ सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट भी भाई पास में ही है, नज़दीक में, इधर ज़्यादा दूर नहीं है, और सीधा चलते हैं हम लोग एयरपोर्ट के पास। फिर मिलते हैं आपसे एंड में। कहीं भी टर्न नहीं लेना है, सिंगल एक हाईवे है बस, वही हाईवे आप चूज कीजिए, उस हाईवे पे चढ़िए और डायरेक्ट आपको हाईवे पकड़ना है NH 28 गोपालगंज से, और सीधा आपको चले आना है गोरखपुर। कहीं भी राइट लेफ्ट कुछ टर्न नहीं करना है, सिर्फ हाईवे पकड़ के सीधा आ जाना है। और हम लोग पहुँच चुके हैं अब 125 में, वहाँ से निकले थे अपने होम टाउन गोपालगंज से, और यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। 241 हो रहा है, 241 हो रहा है, और हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा गोरखपुर एयरपोर्ट, ठीक है। मिलते हैं बाद में भाई। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में अभी जाने में बहुत टाइम है भाई, क्योंकि फ़्लाइट आएगी 3:30 में, मतलब 3:30 में आएगी, और हम लोग बहुत पहले आ चुके हैं। तो फिलहाल इधर टाइम पास के लिए घूमने आ गए, और इधर देख सकते हैं ये जो जंगल है ना, अभी जो बात कर रहे थे, एक जंगल है गोरखपुर पहुंचने से पहले ही मिलता है, वो यही जंगल है। काफ़ी खूबसूरत लगता है और अच्छा है ये, इधर आके बहुत सुकून मिलता है भाई। जिधर देखिए उधर पेड़, उधर पेड़, बहुत सारा पेड़ है, और बहुत अच्छा लगता है इधर। बस ऐसे ही टहलने के लिए आ गए इधर, और फिर चलेंगे हम कुछ देर बाद इधर से सीधा, फ्लाइट का टाइम जब हो जाएगा तो चलेंगे यहाँ से भाई। एयरपोर्ट आइए गोरखपुर, और उसके पहले ही जो ये जंगल वाला रोड जो है, इसमें आपको टाइम स्पेंड करना हो तो यहाँ आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक मंदिर है अंदर में, और यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है पार्किंग में, यहाँ पे आके अपना अच्छा खासा टाइम बिता सकते हैं, ठीक है। और बच्चे सब के लिए भी है, झूला वगैरह है, घूम सकते हैं। ये सामने जंगल में है, और इधर पीछे मंदिर है। फाइनली इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, इस कार में क्या क्या प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट चीज़ है वो है इस कार का माइलेज भाई। सिटी और इको, इस पे दो मूड है, इको पे चलाइए थोड़ा माइलेज अच्छा देता है, और सिटी पे चलाइए तो बिल्कुल ही माइलेज नहीं है भाई, 10 से भी कम है। सेकेंड चीज़ इसमें है बूट स्पेस भाई, बूट स्पेस बिल्कुल कम है। मीडियम अगर ट्रॉली लेते हैं तो दो ही ट्रॉली आते हैं बस, एक छोटा सा बैग, बूट स्पेस भी बिल्कुल कम है। थर्ड जो चीज़ है वो है इसका रस्टिंग चालू हो जाता है भाई, बहुत जल्दी इसका रस्टिंग चालू हो जाता है। गाड़ी अगर खड़ा कर देते हैं तो जॉइंट जो जो भी जगह है वहाँ से चालू हो जाता है। नंबर पे है उसका पिलर, जो राइट साइड में मिरर वाला पिलर है ड्राइवर वाला सीट पे, वो भाई विजिबिलिटी कम है उसमें। आप लोगों को क्या क्या कमियाँ इसमें लगती हैं वो बताइए कमेंट में ज़रूर, और नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, लुक भी बहुत अच्छा लगता है इसका। सो फाइनली चलते हैं यहाँ से, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिए यहाँ पे, और जो इस गाड़ी के बारे में था बताना हमको वो भी हमको हम बता दिए, और आपको कैसा लगता है ये गाड़ी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चलते हैं भाईजान को रिसीव करने, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय। ओ मोटे।
दो उधर भी है इसके जैसे, गजब बेइज्जती है। सेम टू सेम इसी के जैसे है वहाँ पे, ये देख सकते हैं आप।